मेरी मांगू, डोंट लीव मी। अरे तुम्हारा मतलब है डोंट लीव मी तो तुम्हें कभी नहीं लीवूंगा। आ जा जा मांगू, जान प्लीज 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 मांगू, डोंट गो वे। नो वे, अब हटने का नहीं लिपटने का टाइम है। प्लीज 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 मैं नहीं मांगू, समवन विल सी अस। अरे एक साल से जब किसी नहीं देखो तो अब कौन देखेगा? प्लीज मेरी, डोंट मांगू। नो मांगू, कौन है बे? मांगू मेरी, you too? No sir, Mangu touches me, feels me all the time. नहीं नहीं सर, इसने अंग्रेजी में जो भी कहा सब झूठ है सर। सर अगर मैंने पानी पूरी खाई, चटकारे इसने भी खूब मारे हैं सर। सर ताली एक हाथ से नहीं बजती सर। लाफा बजता है। Don't worry, I'm there. Please. तो मैं क्या बोला तेरे को? मित्र भाई। ओ जल थामा। चक्री अंडी। ये भाई लोग मेरे को ऑफर किया गैंग ज्वाइन करने को, लेकिन मैं ना बोल दिया। लेकिन क्यों? अरे रंबा भाई किसी के अंडर नहीं, ऊपर काम करता है ना डार्लिंग। इसीलिए तो मुंबई का सबसे बड़ा भाई बन गया। सबसे बड़ा भाई? लेकिन आपका नाम तो पहले कभी सुना ही नहीं मैंने। अरे इलिटरेट पर्सन, इसीलिए तो मैं बड़ा भाई है ना, नहीं तो तुम लोग के जैसे यहाँ पे जेल में चक्की पीसता रहता बात करता है। अरे लेकिन अभी तो आप जेल में ही है। तो अपनी मर्जी से आया ना डार्लिंग। क्या है ना, कभी कभी अंडरवर्ल्ड में अंडरग्राउंड होना पड़ता है। लेकिन अंडरग्राउंड क्यों होना पड़ा? अरे भलाई का जमाना नहीं रहा डार्लिंग। वो पुलिस कमिश्नर है ना, दोस्त है मेरा, सोचा उसकी हेल्प कर दूं। उसको तो बहुत खतरनाक आतंकवादी पकड़ने थे, तो पुण्य कमाने के चक्कर में मैंने उसकी हेल्प कर दी। वो दोनों पकड़े गए, लेकिन बात दिल्ली तक पहुंच गई और दिल्ली के बाद सीधे अमेरिका का CIA इन्वॉल्व हो गया। 4-5 कंट्रियों की एक साथ मीटिंग बैठ गई राष्ट्रपतियों की, तो मजबूरी में इंडिया को मुझे सरेंडर करना पड़ा। अच्छा अच्छा क्या बे, बहुत बुरा हुआ। उसके बाद अमेरिका का CIA और अलकायदा की मीटिंग हो गई। अमेरिका का CIA और अलकायदा? क्योंकि मैं इतना बड़ा हूँ ना डार्लिंग, चक्कर भी वैसा है। हाँ तो मैं कहाँ पे था? मीटिंग में। उसके बाद दोनों अपनी दुश्मनी छोड़ के मेरे पीछे पड़ गए। बाल खराब हो जाएगा। अमेरिका का CIA साले और अलकायदा इधर। यस साले, तेरे पे भरोसा किया तो घुस गए ना। अरे तो डार्लिंग मैं भी तो घुस गया ना अंदर। कान खोल के सुन डार्लिंग, आज के बाद 1 साल तक रोज तुझे टपली मारेंगे और तू इंच इंच छोटा होता जाएगा। क्या दादा? अरे पिछली बार तू नहीं था ना? अरे मैं यहीं था। क्या बात कर रहे हैं, आप उनसे लंबा सजा है इसका। माना तूने रिलैक्सो समझ के दे दिया, लेकिन 3 गोलियां तो डॉक्टर भी नहीं देता यार। व्हाट हैव यू डन? स्टीवन ने बोला देने को 3, तो मैं 3 दे दिया ना। इवन आई डोंट लाइक द मोर द मैरियट टाइम, ठीक हो जाएगा। ओए रिलैक्स, चल चक्की देख कौन है। चक्की देख, चक्की देख, देख हू इज देयर। कार्लोस तू खोल दरवाजा, यू गटर की पैदाइश। मुझे टॉयलेट आई है, जल्दी कर। हरी अप अंकल, आप ऊपर वाले टॉयलेट में जाएंगे ना? अरे मैं व्हीलचेयर पे हूँ गधे, ऊपर कैसे जाऊंगा? तेरी बहन तेरी माँ, खोलता करी खोलता खोल, जल्दी कर जल्दी कर। अब तो यार उसको अंदर आने का है, इसको सोफा के पीछे छुपाते हैं। चल 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 उठा। मेरे फादर एक महान आदमी थे।
मेरे फादर एक महान आदमी थे। Who the hell is knocking? I'm jacked. 1942 quit India month. What the hell is going on here? I knew it. Coffin ke andar koi zinda hai. Oh my god! Holy shit! मेरे फादर एक महान आदमी थे। What's that? I don't know. इसने पाद मारा होगा। सो रहा है। It's outside. क्या हो गया? ये तो हिल नहीं रहा। इसका नाम लेके बुला उसको। इसका नाम क्या है? टॉमी। 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 टॉमी तो कुत्ते का नाम होता है। हाँ तो उसका कोई कुत्ता होगा ना टॉमी नाम का, तो उसको टॉमी का ओनर, टॉमी का मालिक क्वार्टर। इसको मेरा हाथ सुंघा देते ना, ये हाथ सुंघ के तो कोई भी जाग जाएगा। हेलो हेलो, जोर से बोल। हेलो हेलो हेलो। हाँ हेलो खालोस, ये तो ठंडा हो गया, मुझे नहीं लगता अभी उठने वाला है खालोस। गुड गुड बोल यार, इसका सांस चल रहा है क्या? देख नहीं, हार्ट बीट चेक कर। नहीं जिंदा है क्या? देख नहीं, मर गया। हाँ, वे रॉयली जैक। कार्लोस हैरी। कार्लोस हैरी, काम कर कार्लोस, जल्दी जाके स्टीवन और ब्रायन को बुला कर ले आ। ओके। एक नेजर रोते हुए शक्ल लेकर सबके सामने जाएगा। कीप अ स्माइलिंग फेस नो प्लीज। हाँ जा जा। रूम सर्विस। थैंक यू। ये ऑर्डर सर। अरे साहब आप कौन हो तुम? अरे मैं मंगू, आपका मंगू। तू यहाँ क्या कर रहा है? यहाँ क्या कर रहा हूँ? अरे आपके हाथ ने मेरे गाल पे जो लाफा मारा, तब से मेरी किस्मत का लिफाफा खुल गया। आपके हाथ कहाँ है? मैं चूमना चाहता हूँ। लाइए। अबे चूमने की आदत नहीं गई तेरी? साहब चूमने दीजिए ना, वहाँ तो एक ही मेरी थी, यहाँ तो मेरी ही मेरी है। ए टट्टू ज्यादा मत दौड़ा। हेलो राज साहब, मैं बग्गा बोल रहा हूँ। हाँ कहिए बग्गा जी। जी सर, मुझे आपसे जरूरी थे, खास थे, इम्पोर्टेंट बात करनी है। मैं करूँ? हाँ बकिए, आई मीन कहिए। राज साहब मुझे अभी अभी एक बात पता चली है। कौन सी बात? यही कि आपके बैल्कनी के पैरेपेट पे किसी को देखा गया है। तुम फिकर मत करो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। ओके द वेलकम। ए मंगू, तू वहाँ क्या कर रहा है? साहब पर्दा चेक कर रहा हूँ। तू तेरी रूम सर्विस देख, हाउसकीपिंग मैं देख लूंगा। टॉप बिल। साहब मैम साहब भी है। मैम साहब मंगो। तू अपनी साइज और औकात में आकर। मैम साहब मंगो। मैम साहब मंगो। मैम साहब मंगो। उससे ज्यादा कुछ नहीं। अरे निकल।
ये समझ में नहीं आया, मैम साहब से हमें मिलने क्यों नहीं दिया? जरूर कोई लफड़ा है। 100% मेरे फादर एक महान आदमी थे, मेरे फादर एक महान आदमी थे। मेरा ये मतलब नहीं था। सॉरी टू हेयर अबाउट योर फादर। कमाल के आदमी थे, ही वॉज अ स्ट्रॉन्ग मैन बट विद द वीक हार्ट। डायर ऑफ अ हार्ट अटैक। ट्रेडमिल पे जॉगिंग कर रहे थे, स्पीड 10.5 थी ना। तारीफ करते थे तुम्हारी बहुत। मेरे बारे में कभी कुछ कहा उन्होंने? आप एंड्रू साइमंड्स जी कभी मेंशन तो नहीं किया, बट थैंक यू सो वेरी मच फॉर कमिंग। एक्सक्यूज मी, आई जस्ट हैव टू फिनिश। उनके जाने से काफी लोगों को धक्का लगा है जी। अगर तुम्हारे पास अभी थोड़ा टाइम हो तो सर्जेंट। ठीक है, बोलिए। कम ऑन। यहां नहीं, कहीं और। ओके, लेट्स गो टू द स्टडी। कम प्लीज। एक्सक्यूज मी, कुड यू प्लीज प्लीज एक्सक्यूज मी। ये नॉवेल? जी, मैंने लिखी है। अपने छोटे भाई ब्रायन की तरह? तुम्हें कुछ जरूरी बातें करनी थी ना, सो कैन वी प्लीज। मुझे कुछ जरूरी फोटोग्राफ्स दिखाने थे। एक्चुअली डगलस और मैं काफी क्लोज थे, वेरी क्लोज। हम एक दूसरे को 1.5 साल से जानते थे। ओके। ये तस्वीर देखो, तुम्हारे फादर और मैं वी वेंट टू दिल्ली कुतुब मीनार के पास खिंचवाई थी। और ये बीच पे है। और ये देखो, फेयर में मेरी गो राउंड में हम दोनों घोड़े पर बैठे हैं। क्या करें, बोथ लव्ड राइडिंग। और ये यॉट पे है। इसमें मैं बहुत खराब दिखता हूँ ना? आई एम नॉट दैट फोटोजेनिक। आई एम सॉरी एंड्रू, बुरा मत मानना, लेकिन जैसे तुम बता रहे हो कि तुम और डैड बहुत क्लोज थे, आई मीन हाउ कम वी डिडंट नो अबाउट इट? ही नेवर इवन स्पोक अबाउट यू एवर। एक्चुअली योर फादर और मैं हम दोनों लवर्स थे। वी वर लवर्स। स्टीवन, दरवाजा क्यों बंद किया? क्या तुम ली? Shut up! See, that's why he didn't tell you. तुम्हारे इसी रिएक्शन का डर होगा डक्स को। डक्स? Oops, प्यार से मैं उनको डक्स बुलाता था। You know, okay, okay, okay. क्या मॉम जानती है? वो नहीं जानती है, वो जानेंगी भी नहीं अगर मुझे मेरा हिस्सा मिल जाए तो। हिस्सा? Of course. मुझे मेरा हक तो मिलना चाहिए। हक? Are you bloody crazy or what? अरे मैं लवर हूं उसका। कम से कम 20 लाख रुपए। 20 लाख? Yeah. Are you? एक मिनट, तुम्हें क्या लगता है
ये चार फोटोग्राफ्स दिखा के तुम मुझे ब्लैकमेल कर सकते हो? ऐसे फोटोग्राफ्स तो कोई भी खींच सकता है। दिस इज नो डैम प्रूफ मिस्टर एंड्रू। ओके, ये देखिए। क्यों उड़ गए तोते? स्टीवन लाजरस, मैं करना तो नहीं चाहता था, बट यू आर फोर्सिंग मी। फ्यूनरल खत्म होने से पहले अगर मुझे 20 लाख रुपए नहीं मिले तो सबके सामने तुम्हारे बाप की असलियत बता दूंगा, तुम्हारे बाप की इमेज और उनकी इज्जत अब तुम्हारे हाथ में। गेट मी द मनी, अदरवाइज आई विल ब्लडी एक्सपोज योर फादर।